तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग। आपने देखा और दिल्ली का ब्लॉग, की दिल्ली का ब्लॉग कैसा है डेट का? अगर आपने वो नहीं देखा ना तो वो ब्लॉग देखना और बताना कि कैसा है। और उसमें हाँ एक चीज़ और, उसमें परेड निकलती है जनवरी की, जो तैयारी हो रही है ना, जो 26 जनवरी की जो तैयारी, जो परेड निकलती है वो परेड भी वहाँ तैयारी होती है, तो उसका भी हमने आपको टूट करके दिखाया है। तो इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो पहले आप मुंह वगैरह में नहा लेते हैं और नहाने के बाद आपसे फिर से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ गए वृंदावन, और वृंदावन के आप सामने देख सकते हो मेरे पीछे की साइड हम प्रेम मंदिर पे खड़े हुए, और प्रेम मंदिर का आपको व्यू दिखा देते हैं बाहर से, और फिर आपको लेके चलेंगे अंदर की साइड। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना बैग वगैरह अलाउ नहीं है, मतलब कि अंदर मंदिर में बैग जाने के लिए अलाउ नहीं है, आप बैग बाहर जमा करा सकते हैं। तो चलते पहले मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर आपसे फिर मिलते हैं। तो ये कालियानाग जो कि कृष्ण जी ने जो कालियानाग था ना, जो यमुना जी पार कराने के टाइम पे, तो ये कालियानाग के द्वारे गए थे। तो गाइस अब हम आगे हैं जहाँ फुहारे चलते हैं ना, ये उसी लोकेशन पर है, आप देख सकते हो इस साइड। हम भी पहले छोटे थे ना, तो पहले ना छोटे छोटे फोन हमको बहुत अच्छे लगते थे, बट आज एक मेरे को एक चीज़ देखने के बाद पता चला है, ये पीछे देख सकते हो माता जी, ठीक है ना, इनको देखते ये ना आप देख सकते हो ये कीपैड वाले फ़ोन से ना फोटो खींच रही हैं। अब ये चाचा जी अंकल जी खींच रहे थे, अब ये माता जी फोटो खींच रही थी। तो हमको पुराने वाले दिन याद आ गए। अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये फोटो किस चीज़ का खींच रहे थे आपको दिखाते हैं। देख सकते हो गाइस ये फोटो इन कान्हा जी का खींच रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इस मंदिर के अंदर, कि इस मंदिर के अंदर ना एक कैंटीन भी है, जो कि जितने भी क्रिएटर आते हैं ना सब लोग ने इस चीज़ को छोड़ जाते हैं। तो इस मंदिर के अंदर एक कैंटीन भी है जो पीछे की साइड है मेरे, जो इस कैंटीन में अरे सब चीज़ मिल जाएगी आपको खाने के लिए, खाने से लेकर पीने तक की। ये है कैंटीन का नाम, ये है जो कृष्णा जी जो मतलब कि रोज शाम को 6:30 बजे निकलती है। तो अगर आपको इनके दर्शन चाहिए, तो लाइव दर्शन चाहिए, तो आप एक बार आना और एक बार आके इनके दर्शन करना और देखना कि कैसा है। बहुत लाइव दर्शन में बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं, आप देख सकते हो इन चीज़ों से अनुमान लगा सकते हो। इसके साथ हम चीज जुड़ गए हैं। देख सकते हो शाम के टाइम क्या व्यूज होता है। आपको पालकी के दर्शन तो करा दीजिए, आप चलते थे मंदिर के अंदर, और मंदिर के आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। यह है मंदिर का एंट्री गेट, ये है कृपालु महाराज जी जो इन्होंने मंदिर बनवाया है, और उनके साथ भक्त जनन, और ये इनके स्टेचू कृपालु महाराज जी का। देख सकते हो कितनी सारी भीड़ होगी मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर ये तो फोटो अलाउ नहीं है। अगर फोटो अलाउ होता ना तो फोटो खींच के आपको दिखाते, बट कोशिश कर रहे कि आपको दर्शन कराएं अच्छे से और अच्छे से आपको दिखाएं। और चलते हैं आप मंदिर के ऊपर वाले हिस्से पे, वाले सेकंड फ्लोर पे। ऊपर आने के बाद ना आपको बहुत सारी तो पहले ही मूर्तियाँ मिलेंगी, आपको स्टेचू मिलेंगे। आप ये ना चेंज हो गया है पहले से बहुत, मतलब ये पहले यहाँ दूसरे स्टेचू से दूसरी मूर्तियाँ थी, अब पता नहीं अब दूसरी लगा दी है। और एक चीज और है इस मंदिर के अंदर, एक चीज और है आपको दिखाते हैं कि वो चीज क्या है। चीज की मैं बात कर रहा था ना, वो चीज ये है, इसके अंदर ना एक बड़ा झूमर है, ये बहुत बड़ा है, आपको वीडियो में से छोटा लग रहा होगा बट बड़ा बहुत है, आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और जय श्री कृष्ण।